अखिल भारतीय लोधी लोधा क्षत्रिय महासभा जिला इकाई भिंड के द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वीरांगना अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती की प्रेरणादायक वीर गति के विषय को शामिल करने के निर्णय एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को सराहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा सरकार का आभार जताया। आजादी की लड़ाई लड़ी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने, रामगढ़ की रानी थी, 1857 की क्रांति में पहली क्रांति में उन्होंने ढोल बजाया आज़ादी का, उनके नाम से उनकी आज़ादी में जो महत्वपूर्ण कार्य रहे उनके द्वारा, वो पाठ पुस्तक चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च शिक्षा दोनों में पढ़ाए जाएंगे। निश्चित रूप से पहली कैबिनेट में मोहन जी यादव जी ने और जो है वो शामिल किए और उनके नाम से वीरता पुरस्कार की देने की घोषणा किया कैबिनेट में पास। इसलिए लोधी क्षत्रिय महासभा उनको जिले की ओर से, प्रदेश की ओर से, राज्य की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से जो मंत्री बनाए गए हैं वो निश्चित रूप से लोधी क्षत्रिय महासभा उनको धन्यवाद देती है, पूरे कैबिनेट को, पूरे मोहन जी मुख्यमंत्री जी को। जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है वो भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि पिछड़े वर्ग के काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, निश्चित रूप से उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि वीरांगना अवंतीबाई जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, जिनकी कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए, चाहे हाई स्कूल उच्च शिक्षा उसमें जो विषय उनका लेख है वो भी जोड़ा गया, मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने ओबीसी वर्ग को ज़्यादातर मंत्री बनाया और हमारे समाज के जो 11 मध्य प्रदेश में टिकट दिए विधानसभा में, जो 7 विधायक बने उसमें 2 मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी और धर्मेंद्र लोधी जी, उनको भी स्वतंत्र प्रहार दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे समाज के लिए 2 मंत्री बने। जिस सरकार में 2 हमारे समाज के मंत्री बनाए, प्रहलाद पटेल जी, अरविंद सिंह जी, और सरकार ने बहुत मदद की, मैं भी कहना अपने समाज से कहना पूरा सरकार का सहयोग किया सरकार ने, और हमारे भविष्य में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें अपने समाज की ओर से एक मांग रखता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में टिकट दिए जाएँ और जीत कर केंद्र शासन में प्रवेश करें, मंत्री भी बने, यही मैं आशा करता हूं। और समाज की ओर से सबको धन्यवाद देता हूं, पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।